मम्मी देखा रही थी तो अचानक ही हो गई, जग रही थी पाँव गलने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी इज कर गई, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी की ऐसी हालत हुई। दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के हाथरस से ये खबर सामने आई कि वहां पर भोले बाबा का सत्संग चल रहा था और उस सत्संग में भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद आपको बताया शुरुआती खबर तो ये आई कि लगभग 27 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अब ये आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मौत की संख्या 100 से ज्यादा हो चुकी है, कुछ लोग 150 बता रहे हैं। लेकिन आपको बताया कि दैनिक भास्कर के पत्रकारों ने जो रिपोर्ट दिया उनका कहना है कि उन्होंने बाजाबता सिकंदरा मऊ अस्पताल के पास जो है वो गिनती की है डेड बॉडीज की, वहां पर लगभग 95 डेड बॉडीज वहां पर है। उसके अलावा 27 डेड बॉडी जो है आपको बताएं कि इस तरह से कुछ और जगह पे भी, एक और अस्पताल है एटा जिला के अस्पताल में भी 27 डेड बॉडी वहां पे पड़े हुए। तो अगर आप इन आंकड़ों को मिलाएं तो लगभग 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। आपको बताएं कि आप जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं ये वही बाबा हैं जिन जो सत्संग करवा रहे थे और इन्हें सुनने के लिए लगभग 20,000 से ज्यादा लोग पहुंचे हुए थे। वहां पे जो लोग बात कर रहे हैं, हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरह से उन लोगों का ये दावा है कि लगभग 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी बहुत सारे लोग नहीं है और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल है। जी हाँ, आप इस वीडियो को देखिए। जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड शो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए, कितने लोग की मौत हुई, 100-150 आदमी चले गए, यहाँ से 200 के लंबाई चले गए और एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं, आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको एडमिट नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन है, हमने कैच कैच के लाया, इनमें साथ चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है, ना डरो ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर, डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहा है, सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तभी बचाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर, डेढ़ घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे, सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है, 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है, ऑक्सीजन लगी। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा, आपको अंदाजा हो रहा होगा कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। ये अभी की तस्वीरें सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश के हाथरस की कहानी है ये कि लगातार वहां पर जो मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और घायलों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। अगर ऐसे में अस्पताल में इलाज जल्दी नहीं होता है तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि और भी कई सारे लोगों की मौत की खबर सामने आएगी। सवाल ये भी है कि इतना बड़ा सम्मेलन, इतना बड़ा प्रोग्राम, 20-25 हजार लोगों का जमावड़ा, वहां के स्थानीय एसपी और डीएम ने कुछ इसके लिए काम किया था, आखिर परमिशन दिया गया तो किस बिना पे परमिशन दिया गया, क्या वहां पर तमाम तरीके के सिक्योरिटीज अवेलेबल थे, क्या तमाम चीजें जो वहां पर लोगों की सहायता के लिए होनी चाहिए थी क्या वहां पर अवेलेबल थी, अगर थी तो फिर वो कामयाब क्यों नहीं और नहीं हुई, और अगर कामयाब क्यों नहीं हुई और अगर नहीं थी तो फिर क्यों नहीं थी, ये एक बड़ा सवाल है। आगे हम आपको और कुछ वीडियो के फुटेज दिखा रहे हैं, आप देख जो क्या हुआ है, कितने लोग इसमें घायल या डेथ हुए, बहुत लोग थे, क्या पूरा हुआ, कैसे घटना है। हम सत्संग में गए थे, साल थी और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी, अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी, रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मम्मी देख रही थी, तो अचानक ही हो गई, जगह नहीं थी पाँव गलने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी इंच कर रहे, उनकी तो मौत हो गई, मेरे साथ आई थी मम्मी की ऐसी हालत हुई। अच्छा, गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी, भगदड़ के नीचे दब गए, हम डरने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे, नीचे जगह थी, उसी नीचे जगह पे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम ऊंचे पे खड़े थे, अचानक ही गिर गए एकदम, अचानक ऐसा क्या हुआ जो भगदड़ हो गई, ऐसा क्या हो गया जो भगदड़ हो गई, मिसाल सच बोलो आप, सच सच खत्म हुआ, जब जनता को जंग जा रही थी तब ऐसा हुआ, सबको लगने की पड़ रही थी। अच्छा, कितना बेटा, कितने लोगों को ऐसा लगता घायल हुए या डेथ हुई, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग हैं इसमें। देखिए
स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात वहां पर सामने आ रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी परेशान करने वाली है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इस मौत के आखिरकार जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है।